अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जन्नत राहील और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जो आपकी बॉडी को वाइट कर देगी। फुल बॉडी वाइटनिंग क्लेंजर आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो आपकी बॉडी को क्लीन करने के साथ साथ आपकी बॉडी को वाइट भी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और अगर आप ब्राइडल हो और आपकी शादी होने वाली है तो ये बेस्ट ट्रीटमेंट है आपके लिए फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए। आप इसको रेगुलर यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसको सिर्फ एक दफ़ा ही जब आप यूज़ करोगे तो उसके बाद ही आपको बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। आपकी बॉडी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी और फेयर भी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं रेमेडी। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। मैं इसमें 2 टेबल स्पून सॉल्ट का ऐड करूँगी। नमक में ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारी स्किन से डार्कनेस को रिमूव करते हैं, स्किन टोन को लाइट करने में हेल्प करता है और उसके साथ साथ इसमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जो होता है। मैं इसमें 1 टीस्पून बेकिंग सोडा का ऐड करूँगी। बेकिंग सोडा एक बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएटर है। इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो एक्ने को रिमूव करती हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी लेमन जूस। मैं इसमें 1 टेबल स्पून लेमन जूस का ऐड करूँगी। लेमन जूस की वाइटनिंग प्रॉपर्टीज से कौन वाकिफ नहीं है। लेमन में विटामिन सी होता है और सिट्रिक एसिड होता है जो हमारे स्किन टोन को लाइट करने में हेल्प करता है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मिल्क। मैं इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून ही मिल्क का ऐड करूँगी। मिल्क भी एक वाइटनिंग एजेंट है। इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो हमारे स्किन टोन को लाइट करने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है और हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से एक्सफोलिएट भी करता है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये हमारा ज़बरदस्त सा जादुई क्लेंज़र रेडी हो चुका है। इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि आप इसको जब ट्राई करोगे, यूज़ करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि इसका आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा एक दफ़ा के यूज़ से ही। लेकिन इसको आप सिर्फ अपनी बॉडी पे यूज़ कर सकते हो, हाथों पाँव और बॉडी पे, फेस पे आपने इसको अप्लाई नहीं करना है क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया गया है तो वो फेस के लिए अच्छा नहीं होता है। मैं इसको यहाँ हाथ पे अप्लाई कर रही हूँ। आप अपने बॉडी के किसी भी पार्ट पे इसको अप्लाई कर सकते हो। आपने इस क्लेंजर को लगा लेना है और इसे अपने हाथ पे, अपने पाँव पे कहीं भी 5 से 10 मिनट के लिए मसाज करनी है। हल्के हाथ से मसाज करनी है, ज़ोर ज़ोर से रब नहीं करना है। और उसके बाद आपने जो है वो लुकवार्म वाटर से अपने हाथ को और बॉडी पार्ट को धो लेना है। तो मैंने 5 मिनट मसाज किया और उसके बाद अपने हाथ को धो लिया है तो आप दोनों हाथों में फ़र्क देख सकते हैं। आपकी स्किन पे ज़्यादा टैन हुआ है तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको इस रेमेडी को हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर यूज़ करना है और अगर आप ब्राइडल हो तो आपको इसको रेगुलर यूज़ करना है। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ट्रस्ट मी, एक दफ़ा के यूज़ से ही आपको इंस्टेंट रिजल्ट नज़र आएगा और आपकी स्किन पे जितने भी टैन हुआ है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और आपकी बॉडी फेयर और वाइट हो जाएगी। और आप इसको स्टोर नहीं कर सकते, जब भी बनाएंगे फ्रेश ही बनाएंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, नीचे रेड करके बटन को प्रेस कर दें और उसके साथ छोटी सी बेल आइकन होगी उसको भी प्रेस कर दें। और फ्रेंड्स, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, मैं वहाँ भी वीडियोस अपलोड करती हूँ। और वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।